नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप जिसमें NSA लगाया गया था, बेवजह जिसको परेशान किया जा रहा है, उस मनीष कश्यप को जिसको परेशान करने पे लालू, नीतीश, तेजस्वी, स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, पूरी तमिलनाडु की सरकार, कांग्रेस, तमाम लोग नेता लगे थे, उस मनीष कश्यप को राहत मिलेगी, NSA हटेगा। मदुरै कोर्ट ने सरकार से मांगा है जवाब, सुनवाही अभी टली है और समय दिया गया है जवाब, सवाल जवाब के लिए। कोर्ट की ओर से मदुरै के जिला कलेक्टर के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिवों से भी इसी आधार पर जवाब मांगा गया। परिजनों की ओर से याचिका दायर पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जवाब मांगा है और इस समय स्थिति यह है कि मनीष कश्यप के छूटने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। पूरे बिहार में खुशी का माहौल है, पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। मनीष कश्यप पे NSA हटेगा, मदुरै कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट रूप में जवाब मांग लिया है और सुनवाई भी टल गई है। तमिलनाडु हिंसा मामले में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी अहम खबर हम आपको ले चलते हैं। उनकी अहम खबर पर हम आपको बता रहे हैं, यूट्यूबर की बड़ी राहत मिली है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगा NSA हटने की चर्चा भी शुरू हो गई है और लगता है चारों तरफ से माहौल बनता चला जा रहा। मदुरै कोर्ट ने इस मामले में जवाब तलब किया है, सवाल जवाब किया। कोर्ट की ओर से मदुरै के जिला कलेक्टर के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिवों से इस मामले में जवाब मांगा गया है। परिजनों की ओर से इसकी मांग की जा रही है। मनीष कश्यप त्रिपुरारी कुमार के भाई त्रिभुवन तिवारी ने इस आशय की याचिका मदुरै कोर्ट में अभी हाल में दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया है। फिलहाल मामले की सुनवाई के लिए आठ सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। उसके बाद उसमें सुनवाई होगी और उस पर कोई ना कोई आदेश होगा जो मनीष के समर्थन में होगा और शायद मनीष का सबसे NSA जल्दी हट जाए। ये जो 8 सप्ताह है इसी में कुछ न कुछ अच्छा गुल होगा। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में बिहारी मजदूरों पर कथित रूप से मारपीट और हिंसा से संबंधित वीडियो बनाने और वायरल करने के आरोप में मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया था, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तेजस्वी के कहने पर आधी रात को कोर्ट खुलवा करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व प्रशासन की ओर से उस पर झूठे आरोप लगा करके वहीं के बंद आदमी पर NSA लगाया गया। इस NSA को लेकर मदुरै पुलिस प्रशासन की ओर से यूट्यूबर पर रासुका लगाया गया था। इस मामले में मनीष कश्यप परिजन शुरू से ही NSA हटाने की मांग वहां कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए परंतु उनको न्याय नहीं मिल पाया। उनकी ठीक से पैरवी भी नहीं हो पाई मनीष कश्यप की और NSA नहीं हट पाया। मनीष कश्यप के छोटे भाई त्रिभुवन तिवारी की ओर से याचिका दायर कर गुहार लगाई गई थी। कहा गया कि मनीष कश्यप के अपराध लासुका कानून के लायक नहीं है। उसके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है। फिलहाल मदुरै के जिला कलेक्टर के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के होम सेक्रेटरी से जवाब मांगा गया है, जेल प्रशासन से तथा अन्य भी वो मांगे गए हैं सबूत तथा अन्य भी कई चीज़ों, कई पॉइंट पे जवाब मांगा गया है, जिन बातों का जवाब तमिलनाडु सरकार, जिला प्रशासन वो नहीं दे पाएगा। कोर्ट के फैसले के अनुसार अगले 8 सप्ताह तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि होम सेक्रेटरी कलेक्टर अपना जवाब दाखिल कर दे समयावधि के अंदर, क्योंकि उनका जवाब आने तक सुनवाई स्थगित रहेगी। इसी बीच तीनों पदाधिकारियों का जवाब दाखिल कर देना है, उसके बाद सुनवाई होगी, फिर यह तय होगा मनीष कश्यप पर लगा NSA हटाया जाए, लगाया जाए या हटाया जाए।
और उन्होंने बहुत सख्त फटकार लगाई, सख्त चेतावनी दी, समय अवधि के पहले जवाब दे दें ताकि मनीष कश्यप के ऊपर उसकी सुनवाई हो सके। ये बहुत सख्त आदेश है। अगर आदेश में अगर उन्होंने जवाब सवाल दिया, चूंकि कोई एविडेंस नहीं, कोई अपराध नहीं किया, कोई उन्हें के, इसलिए मनीष कश्यप अपने आप छूटने की संभावनाएं हैं। मनीष कश्यप फिलहाल बिहार के पटना जेल बेउर में बंद हैं। पिछले दिनों बेतिया कोर्ट में मारपीट और लंगदारी मामले मांगने के दो मामलों में बेतिया लाया गया था। अगले दिन पटना सिविल कोर्ट में भी उनके आर्थिक अपराधियों में दायर किए गए दो केस में पेशी हुई। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि मनीष कश्यप को बिहार की जेल में रखा जाए। इसके पहले वाली जो कोर्ट है उसने भी कहा था कि अभी इनको न छोड़ा जाए, अभी चूंकि इनकी तारीख है। उस समय कोर्ट प्रशासन ने स्पेशल लिख के दिया था, चूंकि बिहार में कई तारीखें, इसलिए इनको तमिलनाडु न भेजा जाए, नहीं तो तमिलनाडु से आना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो उस कोर्ट ने आदेश किया बेउर ने, उसके बाद पटना कोर्ट ने भी इनको जो है वो दायर की दो याचिका में इनको राहत दी। मनीष कश्यप के बिहार जेल में रखा जाए क्योंकि तमिलनाडु में सभी मामलों में उसे बेल मिल चुकी है। अब आपको बतलाना है, कोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से पेशी कराई जाएगी। इस फैसले से कश्यप को बड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु में अगर ज़रूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ये कोर्ट ने आदेश दिए। ये भी मनीष के फेवर में रखा। एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। और जो मनीष कश्यप की जो स्थितियाँ हैं वो साफ जाहिर हो रही कि मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा। और एक लिमिट क्रॉस हो गई थी कि जितनी बुरी स्थिति मनीष कश्यप की गई है, मनीष कश्यप का पूरा शरीर बेकार हो गया, वहाँ कुछ मनीष कश्यप को खाने को नहीं मिलता था, कुछ मनीष कश्यप को पीने को नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल में सिर्फ एक रोटी मिलती थी, एक रोटी वो भी बामुश्किल मिलती थी। तो उससे वो किसी तरह से वहाँ की ना भाषा समझ जाता पाता था, ना आबो हवा समझ पाता था, डेगेट्स के उसमें उसको रखा जाता था, यातनाएं दी जाती थी। और आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जो दुखद बात थी कि बिहार का प्रशासन ये नहीं चाहता था कि मनीष कश्यप छूटे। मनीष कश्यप को बंद कराने के लिए पूरी बिहार गवर्नमेंट पूरा अभी भी शासन प्रशासन लगा हुआ है, लालू लगे हुए हैं, तमिलनाडु का वो कई मुख्यमंत्री लगे हुए हैं कि मनीष कश्यप को किसी तरह से जेल में शिकंजे में डाल दिया जाए और तमिलनाडु इनको किसी भी तरह से भेज दिया जाए। इसमें बहुत बड़ी तैयारी के साथ सभी लोग लगे हुए हैं, मगर ये है, जाको लाखे मार साइयाँ मार सके ना कोई। मनीष कश्यप को बचाने के लिए भी पूरे बिहार के लोग, तमाम अन्य जगह के लोग जी जान से लगे हुए हैं। और ये पोजीशन है, पूरे बिहार में जश्न मनाया जा रहा है, लोग इतने खुश हैं मनीष कश्यप के प्रति, लोगों की दीवानगी। मनीष कश्यप एक ओरिजिनल पत्रकार था, जो न्यूज़ मनीष कश्यप देते थे वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। आज भी बिहार पूरे देश के लोग याद करते, तमिलनाडु में भी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत शिष्ट व्यक्ति था, लोग अधिकतर तमिलनाडु में उनसे मिलने जाते थे। मनीष कश्यप आप समझ लीजिए, रोजाना उनकी पोजीशन ये कि बिहार की एक एक चीज़ को छू के पकड़ के अगला देखता है, कभी दीवालों में हाथ लगाने लगता है, चूँकि अपने वतन आ गया, अपने प्रदेश आ गया। मनीष कश्यप जब सीमा में, बिहार की सीमा में एंट्री करने लगे थे तो तब भी उन्होंने, मनीष कश्यप ने जमीन के पैर छुए। जब यहाँ बेउर जेल में आए, स्टेशन पे उतरे, तब उन्होंने पैर छुए। वहाँ जेल के पास गए, तब पैर छुए। आज मनीष कश्यप इतने खुश हैं, मनीष कश्यप की जब माँ मिली उनसे तो लिपट गई दोनों लोग, ऐसे रोने लगे, वो सीन देखने लायक था। इतनी बुरी तरीके मनीष रो रहे थे, माँ रो रही थी, आप समझ लीजिए ऐसे लिपट गए कि सारे लोग, आप समझ लीजिए पूरे बिहार में जश्न की वो है। और बिहार के लोग इतने खुश हैं, आप ये अंदाज लगा लीजिए, मनीष कश्यप के लाखों दीवाने हैं, उसके यूट्यूबर में कई लाख सदस्य, फेसबुक में कई लाख सदस्य, और मनीष कश्यप के पद दीवानगी अलग है। जब लालू ने पटना में मीटिंग की थी अभी विपक्षियों की, तो इसके 3 दिन पहले वो तमिलनाडु जाना चाह रहे थे स्टालिन से बात करने, कि किसी सूरत में मनीष कश्यप न छूट पाए।
उसके बाद इन्होंने तेजस्वी को स्पेशली भेजा। इसीलिए जब स्टालिन यहाँ आए तो स्टालिन कहीं बाहर नहीं निकले मारे डर के कारण। स्टालिन इतने डरे हुए थे कि पूछे नहीं कहीं मनीष के कश्यप के, तब भी मनीष कश्यप के समर्थक हर जगह लगे रहे कि विपक्ष के उसमें जबरदस्त बिहार ने फोर्स लगा रखा था। तमाम जगह से आप समझ लीजिए यूपी से कोई जा रहा था अगर उसमें तो फोर्स लग जाता था कहीं मनीष कश्यप के समर्थक ना पहुंच जाए। इतना मनीष कश्यप का क्रेज है और मनीष कश्यप के साथ जो भी किया है उसका इतना विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा। अब मनीष कश्यप सामान्य पोजीशन में धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी तक मनीष कश्यप की यह पोजीशन हो गई थी ना मनीष कश्यप को ठीक से कुछ सुझा रहा था, ना कुछ अच्छा लग रहा था, ना उनको ठीक से वो स्वास्थ्य पूरा बिगड़ गया था। अब पूरा शरीर हो गया था। मनीष कश्यप किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। मानसिक रूप में अभी भी इतने आघात मनीष को लगे हैं कि अभी भी सामान्य पोजीशन में मनीष नहीं है। अब दिल्ली यहाँ की बिहार की आबोहवा से मनीष कश्यप पे निश्चित कुछ ना कुछ सुधार होगा और मनीष कश्यप अब जो है एक सुधार की पोजीशन में आ रहे हैं। और मनीष कश्यप मानसिक रूप से हमारा अंदाज़ है 2-4-5 रोज में जब यहाँ का अन्न जल ग्रहण करेंगे तो आप सर। मनीष कश्यप ने वहाँ से ये भी कही थी कि आदमी जब मर जाता है तो उसकी बॉडी वहाँ भेजी जाती है। अगले ने कहा था कि जहाँ का खमीर है वहाँ राख जाती है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब भी लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा, आज लोग समझ रहे हैं। अब मनीष कश्यप पूरे बिहार में एक ही गाना लग रहा है कि मर जावा, वो एक गाना है जो पंजाबी में है, वो गाना बहुत बज रहा है जिसके बोल हैं कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा। ये पूरे बिहार में आप समझ लीजिए हर जगह ये गाया जा रहा है। तो और मनीष कश्यप का रोज आना कहिए, सुबह उठ के यहाँ की मिट्टी को चूमते हैं, माथे में लगाते हैं और मनीष कश्यप से मिलने के लिए इतना जबरदस्त कोर्ट के बाहर इतने लोग लगे रहते हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों ने साफ कह दिया कि कहीं किसी बात का वो ना हो, किसी के खिलाफ कुछ बोला ना जाए। मगर वहीं पे आपको बता रहे हैं कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, सरकार, प्रशासन, शासन सब लगा हुआ है किसी तरह इनको वापस भेज दे। मगर अगर वापस मनीष कश्यप को भेजा गया तो पूरा बिहार उबल पड़ेगा। आप सुन ले, पूरा बिहार उबल पड़ेगा क्योंकि हर आदमी सन ऑफ बिहार, सन ऑफ इंडिया को अपने यहाँ चाहता है। और मनीष कश्यप के पद दीवानगी लोगों में इस कदर है कि पूछे। मनीष कश्यप के पीछे ना पैसे वालों की बैकिंग है, ना मनीष कश्यप के साथ विज्ञापन है, ना ही मनीष कश्यप के साथ कोई पेपर ग्रुप है, ना ही बड़े लोग हैं। तब मनीष कश्यप का जमीनी हकीकत इतनी ज़बरदस्त है कि आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में मनीष कश्यप एक उगता हुआ सूरज है। उगता हुआ सूरज है, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, रोशनी होगी, नया उजाला होगा, रात बीतेगी और दिन आएगा, कुशासन नष्ट होगा, घोटाला नष्ट होगा, जंगल राज खत्म होगा, निश्चित तौर पे ख़त्म होगा और बिहार में अमन चैन आएगा। बिहार के लोग पूरे दुनिया में मशहूर हैं, बिहार की कला, बिहार का कल्चर, बिहार की शिक्षा, बिहार के IAS, बिहार के PCS, बिहार के लोग आर्मी में, बिहार के लोग हिंदुस्तान बनाने में, बिहार के लोग आज़ाद कराने में, बिहार दुनिया में हिंदुस्तान की एक पहचान दिलाने वाले, इस बिहार को फिर जीवित होने के आसार हो गए हैं। और वो मनीष कश्यप के आने से निश्चित तौर पर इसमें बल मिलेगा। मैं अजय पत्रकार।